गुड आफ्टरनून क्लास। यहाँ पर देखिए 35th क्लास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, और जिसमें हम लोग देखने वाले हैं लेस्ट और इसके साथ में सुड, है ना। देखिए यहाँ पर ये लेस्ट के साथ में सुड का पेयर बनता भी है, और इसका जो अर्थ होता है, अगर इसके अर्थ की बात करें, इसके सेंस की बात करें, तो इसका सेंस निकलता है कहीं ऐसा ना हो कि। इसका सेंस किससे निकलता है? कहीं ऐसा ना हो कि, इस तरह से सेंस निकलता है, या कहीं ऐसा ना हो कि, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, या कहीं ऐसा ना हो कि। एक्चुअल में ये जो लेस्ट और सुड है, ये आपका जो है कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन है। अगर ग्रामर के सेंस में देखा जाए तो ये होता है आपका कंपाउंड कंजंक्शन होता है, कंपाउंड कंजंक्शन होता है ये चीज आपका, है ना। और इसका सेंस निकलता है कहीं ऐसा ना हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि। जैसे हम कह दें मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ, है ना। तो मेहनत करो, एक एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ, असफल हो जाओ। तो ये चीज आपका सेंटेंस है ना। मेहनत करो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। तो यहां पर क्या होता है, चलो ठीक है, यहां तक तो सही है कि मेहनत करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे? वर्क हार्ड, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्क हार्ड, चलो ठीक है। इसकी इंग्लिश हो गई वर्क हार्ड, मेहनत करो। अब यहां पर कहीं ऐसा ना हो कि, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि, इसके लिए आपको लेस्ट के साथ में सुड का पेयर, देखिए लेस्ट के जस्ट आफ्टर आपको सुड का यूज नहीं करना, यू डोंट यूज द सुड, है ना, द जस्ट आफ्टर ऑफ द लेस्ट, क्लियर। बट यू हैव टू यूज इन पेयर, यू हैव टू यूज इन पेयर, लाइक वर्क हार्ड लेस्ट लेस्ट, देन यू यूज सब्जेक्ट लेस लेस्ट, यू शुड फेल लेस्ट, यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, लेस्ट यू शुड फेल। बड़ा ऑकवर्ड लगता है ये चीज, क्योंकि यहां पर असफल ना हो जाओ, लेकिन ये ग्रामर का रूल है कि लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का पेयर बनता है, लेस्ट के साथ में शुड का हमेशा पेयर बनता है। और स्पीकिंग के सेंस में इसका सेंस निकलता है कहीं ऐसा ना हो कि, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि, क्लियर है ना। तो यहां पर मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ, यानी कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इतना समझ में आया? अगर हम कहें संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वॉक केयरफुली मीन्स संभल कर चलो, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, क्लियर है ना। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। जैसे अगर हम कह दें भैया या कुछ भी, भाई से अपने काम से काम रखो, ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, अपने काम से काम रखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? माइंड योर ओन बिजनेस, है ना, इसका मतलब अपने काम से काम रखो, है ना। तो माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो कहीं ऐसा ना हो कि, यानी कि लेस्ट कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, यानी कि तुमको बेइज्जत कर दिया जाए, है ना। तो लेस्ट यू सॉरी
lest you should be insulted. Lest you should be insulted. कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी insult कर दिया जाए, तुम्हारी बेइज्जती हो जाए. Clear है ना? तो mind your own business का मतलब हो गया अपने काम से काम रखो, और lest और should का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि you should be insulted कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए. Clear है ना? अगर हम कहें ध्यान से खेलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ, तो इसको कैसे बोलेंगे? ध्यान से खेलो. यहाँ प्ले केयरफुली नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा प्ले प्रॉपरली होगा, है ना? यहाँ पर जो है, चूंकि प्रॉपर रूप से खेलना, तो यहाँ पर आप यूज करो प्ले प्रॉपरली. तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले प्रॉपरली, इसका मतलब प्रॉपर रूप से खेलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. यानी कि lest you should और यहाँ पर लूज, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लूजर बन जाओ. यू शुड लूज मतलब आप हार ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप हार जाओ. इसलिए क्या करो, मेहनत से खेलो. प्ले प्रॉपरली का मतलब हुआ सही तरीके से खेलो, मेहनत से खेलो, सही ढंग से खेलो, है ना, ये चीज हुआ. अगर हम कहें, चलो एक बताइए, अगर हम कहें पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओ, या इसका सेंस ये तो निकल रहा है, पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. पढ़ाई कर लो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. तो पढ़ाई कर लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा? स्टडी. सिंपल सा, स्टडी मतलब पढ़ना. तो स्टडी लेस्ट यू, अब देखिए यू विल फेल. अब क्या रहता है, जब आपका ग्रामर में आता है, इसको एक पार्ट कर देते हैं, इसको एक पार्ट में, इसको एक पार्ट में, और यहाँ लिख देते हैं नो एरर. तो सेंस से तो लग रहा है भाई कोई गलती नहीं है, है ना, लेकिन लेस्ट के साथ हमेशा किसका पेयर बनता है? शुड का पेयर बनता है, तो गलती यहाँ पर यही है, है ना. अगर यही चीज जब ग्रामर में पूछ लिया जाता है, तो ग्रामर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियर है ना? ग्रामर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. यहाँ पर रहेगा शुड रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? शुड रहेगा. तो हो जाएगा स्टडी, है ना, मतलब पढ़ लो, पढ़ाई कर लो. लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, कि तुम फेल हो जाओ. पढ़ लो, अदरवाइज सब में शुड लगेगा. हाँ, सब में लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही लगता है, है ना. अगर आप ये चीज नहीं यूज करना चाह रहे हैं, तो आप अदरवाइज लगा सकते हैं. स्टडी अदरवाइज यू मे बी फेल, पढ़ लो नहीं तो, अन्यथा तुम फेल हो सकते हो, है ना. लेकिन लेस्ट के साथ हमेशा किसका यूज होता है? लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज होता है. बोलो, यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा चलो, एक सेंटेंस बताओ. अगर हम कहें जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ, हरी अप, लेस्ट वी शुड गेट लेट. यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरी अप. हरी अप का मतलब जल्दी करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वी शुड गेट लेट, कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं. क्लियर है ना? तो हरी अप मतलब जल्दी करो, या कम ऑन. क्लियर है ना? और लेस्ट वी शुड गेट लेट, कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं. समझ में आया? एक चलिए बताइए, अगर हम कहें आग बुझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि आग जंगल में चारों तरफ फैल जाए. थोड़ा लंबा सेंटेंस है, है ना. आग बुझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि आग जंगल में चारों तरफ फैल जाए, इसको कैसे बोलेंगे? आग बुझाना मतलब होता है पुट आउट द फायर. क्या होगा? पुट आउट द फायर. लेस्ट है ना, अब आग के लिए इट होगा, है ना. तो पुट आउट द फायर, लेस्ट इट शुड बी स्प्रेड ऑल ओवर द फॉरेस्ट. यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पर हो जाएगा पुट आउट द फायर. तो पुट आउट द फायर का मतलब क्या हुआ? आग बुझा दो. पुट आउट द फायर का मतलब क्या हुआ? आग बुझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि आग जंगल में चारों तरफ फैल जाए. तो मतलब यहाँ पर लेस्ट द फायर नहीं, इट. लेस्ट इट शुड
it should be spread spread all over the forest, है ना, all over the forest, all over the forest मतलब जंगल में चारों तरफ या हर तरफ ही, ऐसा ना हो कि ये फैल जाए, क्लियर है ना। तो ये समझ में आया, चलो कुछ सेंटेंस और ले लो, देखते हैं, ये सारा रिटेन प्रैक्टिस हो गया है ना। एक सेंटेंस लिख लो, इसे आप लिखकर प्रैक्टिस करो, लिखो, लिखिए, उसे जल्दी से फोन करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो विदेश चला जाए, उसे जल्दी से फोन करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो विदेश चला जाए। विदेश की इंग्लिश फॉरेन तो होती है, एब्रॉड भी होती है, ठीक है ना। हाँ, एक नया याद रखना, एब्रॉड का मतलब विदेश होता है, फॉरेन का तो मतलब होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, उसे फोन करो, है ना, उसे जल्दी से फोन करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहाँ चला जाए, विदेश चला जाए। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से का मतलब अभी फोन करो, तो कॉल हिम इमीडिएटली या कॉल हिम नाउ, कॉल हिम इमीडिएटली या कॉल हिम नाउ लेस्ट ही शुड गो अब्रॉड, लेस्ट ही शुड गो अब्रॉड, कहीं ऐसा ना हो कि वो विदेश चला जाए, या लेस्ट ही शुड बी गो फॉरेन, कहीं ऐसा ना हो कि वो फॉरेन चला जाए, अब्रॉड चला जाए, विदेश चला जाए, क्लियर है ना। चलो, तो विदेश की एक इंग्लिश अब्रॉड भी होती है, इसे भी याद रखना। अच्छा चलो, अगर हम कहें हम मेहनत करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं, मतलब हम मेहनत करेंगे, अब यहाँ पर समझना, हम मेहनत करेंगे है ना, ताकि ऐसा ना हो, ऐसी संभावना ना रहे कि हम फेल हो जाएं, तो हम मेहनत करेंगे, फर्स्ट पार्ट जिसमें रहे उसको उसी बनाना, तो हम मेहनत करेंगे यानी कि बी विल वर्क हार्ड या बी शैल वर्क हार्ड, है ना, स्पोकन में सबके साथ बी ही लगता है, तो बी विल वर्क हार्ड का मतलब हम मेहनत करेंगे, है ना, ताकि ऐसे ऐसा ना रहे, ऐसी संभावना ना रहे कि हम फेल हो जाएं, तो लेस्ट बी शुड फेल, बस समझ में आया ना। चलो, ट्रेन छूट ना जाए इसलिए वो तेज भागा, ट्रेन छूट ना जाए इसलिए वो तेज भागा। अब इसका सेंस निकालो, वो तेज भागा इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, तो ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट का मतलब वो तेज भागा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए कि, हाँ, ही शुड मिस द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर दे, या द ट्रेन शुड बी डिपार्टेड, हाँ, लेस्ट द ट्रेन शुड बी डिपार्टेड, या लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, क्लियर है ना। चलो आगे पूछे, एक एक सेंटेंस और बताओगे, समय से पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए, इसको कैसे बोलेंगे, रीच ऑन टाइम, हाँ, रीच इन द टाइम, या रीच ऑन द टाइम, समय पर पहुंचो, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए, तो लेस्ट यू शुड मिस द बस, लेस्ट यू शुड मिस द बस, या लेस्ट द बस शुड बी डिपार्ट, कहीं ऐसा ना हो कि बस जो डिपार्ट हो जाए, क्लियर, समझ में आया, इतना समझ में आया। अच्छा, हम कहते हैं यात्रा के दौरान, समझते रहना अपने हिसाब से, आप लिखते भी रहना या बाद में लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, यात्रा के दौरान होशियार रहो, यात्रा के दौरान होशियार रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई तुम्हारा पॉकेट मार ले, है ना, तो क्या हो जाएगा, बी केयरफुल, है ना, बी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ व्हाइल ट्रैवलिंग ये कुछ ज्यादा ट्रेंड में चलता है, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ व्हाइल ट्रैवलिंग यात्रा करने के दौरान, है ना, जैसे आई टायर्ड व्हाइल स्पीकिंग, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, मैं बोलने के दौरान थक गया, आई टायर्ड, क्लियर है ना, या फिर आई टायर व्हाइल स्पीकिंग, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, क्लियर, ऐसे कोई भी चीज है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, यात्रा के दौरान होशियार रहो,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पर्स कोई मार ले। मींस बी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग, बी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग। और लेस्ट है ना, समवन शुड पिक योर पॉकेट। समवन मतलब कोई, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मतलब समवन कोई शुड पिक द पॉकेट। पिक मतलब होता है पॉकेट मारना, जैसे पिक द पॉकेट का मतलब होता है पॉकेट मार लेना, है ना। हाँ, पिक पिक मतलब होता है पिक द पॉकेट का मतलब पॉकेट मार लेना, पॉकेट काट लेना, पॉकेट मारना, पॉकेट चुरा लेना। तो स्टील, हाँ यहाँ स्टील द पर्स ये भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पिक द पॉकेट ज्यादा सही होता है। आप अगर कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं वहां पर लिखा रहता है, है ना, इस तरह से के सेंटेंसेस। अच्छा इतना समझे, इतना तो क्या होगा, यात्रा के दौरान होशियार रहो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी पॉकेट मार ले तो क्या हो जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, सॉरी बी केयरफुल, है ना, बी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग, और लेस्ट समवन शुड पिक द पॉकेट, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका पॉकेट। अच्छा उसकी तरफ मत देखो, यहाँ समझ रुक जाओ, पहले सुन लो, थोड़ा सेंटेंस रोमांटिक है, बता दे रहा हूँ, क्लियर है। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं मजाक में दोस्तों साथ में। उसकी तरफ ऐसे मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए। इसको कैसे बोलो, उसकी तरफ ऐसे मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको उससे प्यार हो जाए। इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मत देखो, यानी कि डोंट लुक एट हर लाइक दिस। डोंट लुक मतलब मत देखो, एट हर मतलब उसकी तरफ, लाइक दिस मतलब इस तरह, है ना। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुमको उससे प्यार हो जाए, यानी कि लेस्ट यू शुड फॉल इन लव, lest you should fall in love with her। आदमी कहता है ना I am fallen in love, मूवी में आप सुने होंगे I am fallen in love with Rita, मतलब मैं रीता, मुझे मुझको रीता से प्यार हो गया। यहाँ पे fall लेंगे ना, नहीं यहाँ fallen नहीं होगा, fall होगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर lest कहीं ऐसा ना हो कि you should fall in love with her, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाओ। समझ में आया, हाँ हम कहते हैं इस दिवाली जो है नया घर ले लो, ये जो दिवाली आएगी इस दिवाली में क्या करो, नया घर ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि कीमतें जो प्राइसें हैं वो इंक्रीज ना हो जाएं, है ना। तो क्या हो जाएगा, नया घर ले लो, बाई आ न्यू हाउस, नया घर ले लो मतलब खरीद लो, बाई आ न्यू हाउस, और दिस दिवाली, इस दिवाली पर, ऑन दिस दिवाली, क्लियर है ना। और कहीं ऐसा ना हो कि कीमतें बढ़ जाएं, तो लेस्ट द प्राइसेस शुड बी इंक्रीज, लेस्ट द प्राइसेस शुड बी इंक्रीज, क्लियर है ना। या बढ़ना की एक और इंग्लिश होती है हाइक, हाइक मतलब भी होता है इंक्रीज होना। अच्छा अगर हम कहते हैं उसने मेरा फोन नंबर लिख लिया ताकि, क्यों लिखा, ताकि ऐसा ना हो कि वो भूल जाए, है ना, या वो भूल ना जाए इसलिए उसने मेरा फोन नंबर लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, ही रोट डाउन, जैसे राइट डाउन होता है ना, तो सेकंड फॉर्म ही रोट डाउन माय फोन नंबर, और लेस्ट ही शुड फॉरगेट इट, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो भूल जाए। समझ में आया, हाँ, क्योंकि उसने मेरा फोन नंबर लिख लिया, लिख लिया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ताकि ऐसा ना हो कि वो क्या हो जाए, मतलब नंबर भूल ना जाए। तो ही रोट डाउन माय फोन नंबर, लेस्ट ही शुड फॉरगेट इट, इट का मतलब ही फोन नंबर। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ। लेकिन अब यहाँ पर एक मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको तो, ये तो एक तरीका है आपका बनाने का, है ना, ये आपका जो है एक तरीका है, बाकी इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कई तरीके है ना, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कई तरीके हैं,
जैसे अभी एक दो तरीका हम अलग से बताए भी थे, एक तो आपका लेस्ट के साथ में शुड का पेयर बनेगा, ये तो सही है ना, ये तो सही है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे हम कहें धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, बहुत तेज चलते हो ना, हाँ, तो हम कहते हैं धीरे चलो, ध्यान दे, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखो एक तो तरीका आपको पता है ना, तरीका क्या पता है, धीरे चलो मतलब वॉक स्लोली, हाँ वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, लेस्ट यू शुड, यू लेस्ट यू शुड है ना, यू शुड फॉल डाउन, धीरे चलो कहीं नीचे थोड़ी ना गिर जाएगा, अरे कोई गिरेगा जमीन आसमान में थोड़ी जाएगा, नीचे ही तो गिरेगा ना, समझे, हाँ। अब ऐसे कहना राइट के साथ डाउन क्यों लगता है, राइट डाउन क्यों होता है, सब लोग नीचे कॉपी में तो लिखेंगे, चलो धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यानी कि वॉक स्लोली मीन्स धीरे चलो, लेस्ट यू शुड मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो अगर दूसरे तरीके से इसको बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली धीरे चलो, अरे रुक जाओ भाई, वॉक स्लोली धीरे चलो, और एल्स यू विल फॉल डाउन। अब यहां पर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, देखो अब ये भी तरीका, अगर आप लेस्ट के साथ में अगर आप लेस्ट लगाते हैं तो हमेशा शुड का ही पेयर बनेगा है ना, अगर आप लेस्ट लगाते हैं तो हमेशा किसका पेयर बनेगा, शुड का पेयर बनेगा। लेकिन अगर आप और एल्स का यूज करते हैं, और एल्स का यूज करते हैं उस सिचुएशन में आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, मतलब इस चीज को एक तो तरीका ही बनाने का, दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये भी है कि वॉक स्लोली और एल्स यू विल फॉल डाउन, धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे है ना, या एक तरीका और है, इसको देखो इसको कन्वर्ट करने का कितना तरीका है, लोग कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं, सब में लगा सकते हैं, लेफ्ट के जगह पर एल्स, हाँ और एल्स लगा सकते हो है ना, क्लियर है ना। अच्छा और क्या तरीका है, तीसरा जो तरीका है ना आप बना सकते हो, देखो वॉक स्लोली मतलब धीरे चलो, और यहां पर आप यूज कर सकते हैं अदरवाइज, नहीं तो, अन्यथा है ना, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या अन्यथा तुम गिर जाओगे, यानी कि यू विल, वही चीज यू विल फॉल डाउन, नहीं तो तुम गिर जाओगे, तुम फॉल हो जाओगे, समझे, ये तरीका तीन समझ में आया, एक तो आप बना सकते हैं वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओ, या वॉक स्लोली और एल्स यू विल फॉल डाउन, या जो वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, ये तरीका हो गया आपका। अब यहाँ पर एक चीज और होता है, देखो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, इन केस, हाँ बिल्कुल है ना, एक तरीका और है, आप ये बोल सकते हो वॉक स्लोली, वॉक स्लोली इन केस, इन केस यू फॉल डाउन, इसका भी सेंस वही निकलता है ना, धीरे चलो अगर नहीं चलोगे तो इस केस में, धीरे ना चलने के केस में आप गिर जाओ, गिर सकते हो, गिर जाओ तो, समझ में आया, ये भी तरीका बनाने का। और क्या तरीका, और भी तरीका है आपका है ना, सो डेट आप बना सकते हो, देखो धीरे चलो वॉक स्लोली, वॉक स्लोली सो डेट, धीरे चलो ताकि, सो डेट का मतलब किससे निकलता है, ताकि तुम गिरो ना,
ताकि तुम गिरो ना, ताकि तुम गिरने की कोई संभावना ना रहे, तो यू मे है ना, यू मस्ट नॉट, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ताकि तुम गिर जाओ कि नॉट गिरो ना भाई, तो मैं नॉट करो ना, मैं नॉट फॉल डाउन, मैं नॉट फॉल डाउन है ना, मतलब अगर आप सो डेड धीरे चलो ताकि तुम्हें गिरने की कोई संभावना ना हो, है ना, तुम्हारे गिरने की पॉसिबिलिटी ना हो, क्लियर है ना। तो एक तरीका ये भी है बनाने का, और तरीका एक तरीका और भी है, और वो है इन ऑर्डर नॉट टू, वो क्या है इन ऑर्डर नॉट टू, तो उसे भी बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली धीरे चलो, इन ऑर्डर नॉट टू फॉल डाउन, इन ऑर्डर नॉट टू फॉल डाउन, ताकि तुम गिरो ना, नॉट टू फॉल डाउन, इन ऑर्डर धीरे चलो, इन ऑर्डर ताकि इस ऑर्डर में तुम्हारे गिरने की पॉसिबिलिटी या तुम गिरो ना, क्लियर है ना। ये तरीका है, एक तरीका और है बनाने का, हाँ आप यूज कर सकते हैं, सो एज नॉट सब देख रहे हो ना, हाँ तो इसका ये हो जाएगा, वॉक स्लोली धीरे चलो, सो एज नॉट टू, फिर आगे फाड़ लो, ताकि तुम गिरो ना भाई, क्लियर है ना, हाँ, सो वॉक स्लोली धीरे चलो, सो एज नॉट टू ताकि तुम गिरो ना, क्लियर है ना, सो इज नॉट टू ताकि तुम गिरो ना। एक केस और है, इन ऑर्डर डेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉक स्लोली इन ऑर्डर है ना डेड, ये चीज walk slowly in order that you may not fall down, you may not fall down, मतलब समझ में आया, और तरीका चलो अब नहीं बताएंगे, परेशान मत, इतना बहुत है ना, बाकी और तरीका भी लेकिन अब लिखिएगा, चलो इतना ही ना, तो धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, मतलब एक तो आपका ये तो है ही, और जिनमें से आज हम केवल एक ही तरीके की बात कर रहे हैं, बाकी अगर आठों तरीके की बात करेंगे तो पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, है ना, परेशान ना हो, आठों नहीं एक ही फोकस करो, इनमें से कुछ भी कोई बोल सकता है ना, लोग ये भी बोल सकते हैं वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, धीरे चलो वरना तुम गिर जाओगे अन्यथा गिर जाओगे, है ना, हाँ अदरवाइज का मतलब अन्यथा वरना या नहीं, यू के साथ कभी-कभी हम ऐसा होता है कोई सेंटेंस बोलते हैं तो कहते हैं यू विल बी, हाँ बिल्कुल होता है, जैसे तुम प्रधानमंत्री बनोगे यू विल बी, बी मतलब बनना होता है, यू विल बी आ पीएम प्राइम मिनिस्टर, समझ में आया, तो वहां पर फूड नहीं लगाएंगे, अगर कहते हैं तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू बी गो, अगर नहीं तुम कहां जा रहे होगे तो वहां पर ये होगा वेयर विल यू बी गो, हाँ वो टेंस में आ जाएगा, और कुछ केस होता है जब होना का सेंस होता है, यहाँ भी कहीं यूज हुआ होगा कि नहीं यूज, इसका भी आता है, अगर तुम राजनीतिक करो तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तो वहाँ पर फ्रूट लगेगा कि समझ कर राजनीति करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम है ना तुम्हारी गद्दी प्रधानमंत्री से गिर जाए, या समझ कर चलो, कहीं ऐसा समझ कर राजनीति करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर ये कर रहे हो तो भाई कर दो, हाँ वहां पर हो जाएगा लेस्ट यू शुड बिकम प्राइम मिनिस्टर, भाई उसमें क्या, और संभल कर राजनीति करो, मतलब सही तरीके से प्रॉपरली, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजनीति करने को क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स, है ना, do properly, हाँ, property,
डू द पॉलिटिक्स इम्प्रॉपर हुए है ना, डू द पॉलिटिक्स इम्प्रॉपर हुए मतलब जो भी पॉलिटिक्स है तुम्हें करनी है वो प्रॉपर हुए में करो है ना। लेस्ट यू शुड बिकम पीएम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीएम बन जाओ और तुम पीएम से नफरत करते हो। यू शुड बी कर दो, क्लियर समझ में आया। तो यहाँ पर देखो धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो, पहला तरीका वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। दूसरा तरीका क्या है वॉक स्लोली और एल्स यू विल फॉल डाउन। तीसरा तरीका क्या है वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। चौथा क्या है वॉक स्लोली इन केस यू फॉल डाउन। चौथा क्या, अरे यू बिल कर दो यार, यहाँ पर वॉक स्लोली सो डेट यू मे नॉट फॉल डाउन। Walk slowly in order not to fall down, है ना? Walk slowly so as not to, यहाँ है ना? So as not to fall down. Walk slowly in order that you may not fall down. आपको इसमें जो तरीका अच्छा लगे बिल्कुल बोलो। वैसे ज़्यादा ये यूज होता है। वहाँ पर बिल बिल सुना नहीं लगेगा in case में। नहीं, कुछ नहीं लगेगा। देखो एक तो तरीका ये है, दूसरा भी है। ये दोनों बढ़िया अच्छे से बोला जाता है। ये भी बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दो ज्यादा बोला जाता है। और अदरवाइज में बिल नहीं, अदरवाइज मतलब संभल करो, संभल कर चलो, वॉक स्लोली धीरे चलो, सॉरी धीरे चलो, अदरवाइज मतलब नहीं तो या वरना, नहीं तो तुम गिर जाओगे। यू विल फॉल डाउन उसका सेंस है, नहीं तो तुम गिर जाओगे इसलिए धीरे चलो। तो सब में बिल लगेगा अदरवाइज, हाँ अदरवाइज अगर रहेगा तो यहाँ पर बिल लगेगा। अब यहाँ पेयर आप देख सकते हो लेस्ट के साथ में शुड और एल्स के साथ में बिल, अदरवाइज के साथ बिल, ऐसे ही चीज के साथ। समझ में आया? आप एक दो समझो, मतलब इसको मैंने ये बता दिया, मान लो कोई ये बोल रहा है तो आप सेंस से समझ जाओ, आपके सामने कोई ये सेंटेंस स्पीक कर रहा है तो आप समझ जाओ कि ये कहना क्या चाहे। हाँ यहाँ पर लेस्ट शुड का अर्थ निकल रहा है ऐसा ना हो कि, या ऐसा ना हो जाए कि, इसे निकल रहा है। नहीं, एल्स का, एल्स का मतलब होता है वही चीज, ऐसा ना हो कि है ना, और एल्स, क्लियर समझे, समझ में आया? यस सर। चलो फिर ये आपका लेस्ट और शुड, अब इसको बोलोगे यूज करोगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत? नो सर, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।